का नियम क्या है? अच्छा वो ऐसा लगाता है। अच्छा अच्छा इनका ऐसा है, इसका ऐसा है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? आप लगाना है। हाँ ऐसा हमें ग्रेनाइट में चाहिए, है ना। अच्छा और क्या दिया इन्होंने? और ये एंगल का पेप दिया है एक्वा गार्ड के लिए, मतलब आपका क्या अच्छा। इधर दोनों कनेक्शन होगा ना। हाँ इसके लिए वो अलग से ये होगा एक्वा गार्ड आपका जो आरो है ना। हाँ आरो बैठने के लिए दिया था, ये दिया था, मतलब आपका इधर दो टाइप का लगेगा ना, इधर आरो लाइट ऑन हाँ। अच्छा जो आरो हमारा नीचे लगेगा मतलब, है ना, इधर नीचे लगेगा। हाँ, हाँ, हाँ। इधर आपको ऐसा वाला, अच्छा इसका मुंह ऐसा हाँ, वाला सेम आएगा, दो आएगा। अच्छा एक इसमें कनेक्शन आएगा, एक इसमें कनेक्शन होगा, तो वो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आपके किधर? ये वाला जो है ये दीवार वाले के लिए था। हाँ दीवार वाले, वो सभी दीवार वाले। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हमें ये भी लाना पड़ेगा, है ना। और क्या दिया इन्होंने? और भी कुछ मिला है? तो ये तो दोनों चीज हमारे काम नहीं आएंगी, इसका मतलब ना? नहीं, वो कुछ चलो काम नहीं। तीसरा बता दो क्या है? तीसरा ये दिक्कत है। ये क्या चीज है? दिक्कत। वो क्या है दिखाओ, इधर से पता लगेगा दिक्कत। अच्छा यूटिलिटी में वाशिंग मशीन के लिए। अच्छा अच्छा एक वाशिंग मशीन इधर जॉइंट है, ये हमारे पास पहले होता है, वहां नहीं लगा लेते हमने उसके पैसे खर्चे, ये इतना अच्छा है, ये एक दिया है। अब तो कोई फायदा नहीं है ना हमारे लिए इसका। चलो कोई बात नहीं, रख लेना इसको। हाँ चलो ठीक है, देखेंगे। अभी तो सिंक भी लेना है इनसे, ये सिंक भी तो अपने ही लगा है ना। हाँ सिंक तो दे देगा, वो ले लेंगे बाद में, ले लेंगे कोई बात नहीं, कोई नहीं। अभी चाहिए तो मैं अभी लेकर आएंगे, ठीक है, वो ले लेंगे कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, एक तो आप लाओगे ये वाला वहाँ से जो लगेगा, और अगर इधर होल एक करना पड़ेगा। कहाँ पे? मैं बताया था ना होल। अच्छा ठीक है, ग्रेनाइट होल करना, ठीक है। एक होल यहाँ होगा, फिर आप नीचे से पाइप का कनेक्शन दोगे और वो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इनको तो सबको पैक कर दो, इनको भी साइड रखते हैं, देखेंगे कहाँ काम आएंगे कभी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। घर चाहे हम अपना खरीद रहे हैं या हम रेंट के लिए ले रहे हैं, अगर तो घर बिल्कुल रेडी मिलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें जाने से पहले हमें काम खुद ही कराने की परमिशन मिल जाती है तो एक तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि हम वो काम फिर अपनी मर्जी से, अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवा सकते हैं। लेकिन उस काम को कराने से पहले कुछ प्लानिंग की जाए तो वो काम थोड़ा ज़्यादा सही हो जाता है। टाइम तो जितना लगता है उतना लगना ही है, और हमेशा टाइम जितना काम करने वाले लोग देते हैं उससे आगे मानकर ही चलना चाहिए। जिस तरीके से मैंने इस घर में काम कराया है तो मैं आपको दिखाते हुए कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। फिर आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनसे किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके का कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि जब भी हम किसी भी घर में शिफ्ट हो रहे हैं उससे पहले ही वहाँ पर अगर हम सारा काम करा लें तो बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट आवाज़ें वो सब हमें नहीं झेलनी पड़ती। कहीं पर रहते हुए काम कराने से जो ऑफिस वर्क है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। उस घर में खाना पकाना और खाना बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। जब हम उस घर में न रहते हुए काम कराते हैं तो हम कुछ घंटों में ही पूरे दिन का सुपरविज़न कर लेते हैं। अगर वहाँ रहते रहते
काम कराते हैं तो फिर हम सारा दिन ही काम करने वालों के साथ बिजी रहते हैं और वो लोग भी हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं एक एक की लगाने के लिए। फिर वो हमको बुलाते हैं कि आप देख लीजिए ये ठीक है या नहीं। इसलिए इस वीडियो में आप देखिए कि मैंने किस तरीके से क्या क्या काम कराए, जिसको कराते कराते भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसीलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि शुरू में प्लम्बर ने मुझे सारा समझाया कि अगर टैप वॉल पर लगता है या काउंटर शेल्फ पर लगता है तो वो अलग तरीके के होते हैं। उसी तरीके से मेरी पर्सनल सजेशन है कि जब भी घर में पेंट हो रहा है, चाहे वो वॉल्स का हो चाहे वो आयरन का हो, उसका नंबर इस तरीके से फ़ोटो खींच के ज़रूर रख लेना चाहिए ताकि हम आगे उसको काम में ले सकें। इस तरीके की छोटी मोटी रिपेयर पहले देख लेनी चाहिए। ये UPVC और PVC पर जो पट्टियाँ चिपकी होती हैं ये पहले ही उतरवा लेनी चाहिए। जब हम रहने लगते हैं तब ये उतारनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। उसके अलावा हर डोर को चेक करना चाहिए, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। भैया फर्स तो नीचे से रहा था और कर ऊपर से रहे हैं, हैं? देखो नीचे से फंस रहा है ना वहां से कि नहीं। अच्छा वो फिर आप देख लो, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ थोड़ा सा फंस रहा है। ये जो पाइप है ये एक्स्ट्रा कनेक्शन के लिए लगवाया गया है। ये वाले काम कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलती है। ये इतनी बड़ी मशीन से यहाँ पर अंदर की तरफ सिंक के नीचे एक स्पेस बनाया जाएगा। मशीन से ही टाइल पर हमेशा छेद बनवाने चाहिए। छेनी हथौड़ी से कभी नहीं ठुकवाना चाहिए क्योंकि उससे टाइल अनइवन कटती है, कभी कभी क्रैक भी हो सकती है और उसके बाद वहाँ पर सीपेज होने का बहुत डर होता है। इस तरीके की ऑल्ट्रेशन चौखट जो होती हैं दरवाज़े की वहाँ 100% करवानी चाहिए क्योंकि वहाँ से कोई कोई टाइल कच्ची होती हैं। उसके अलावा जो भी टाइल क्रैक है शुरू में ही उसको बदलवाना चाहिए, बाद में वो काम न होने से वहाँ से सीपेज चली जाती है दीवार में, नीचे से फर्श फूल जाता है। बनाने के लिए जो मशीन लगाई जाती है उसके लिए एक सपोर्टर लगाने के लिए भी छेद बनाया जाता है। बाद में हमेशा ध्यान रखना है कि उस छेद को भी भरवाना है क्योंकि वो साइज़ में छोटा होता है तो उस पर ध्यान कम जाता है, लेकिन सीपेज तो वहाँ से भी जा सकती है और बाद में सारी वॉल्स में वो पानी भर जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक बड़े आइटम सेट कराने हैं उनके लिए इस तरीके की फिटिंग एक्स्ट्रा हमें घर में करवानी ही पड़ती है। और जैसे ये वॉशर ड्रायर इतना ज़्यादा हैवी है कि इसको हम खुद असेंबल नहीं कर सकते तो इनके लिए स्पेशलिस्ट को ही बुलाना चाहिए। और जब शिफ्ट होने वाले हैं अगर हो सके तो उससे पहले पूरी फिटिंग एक्सपर्ट से ही करवा लेनी चाहिए क्योंकि ये आज के नए ज़माने की टेक्नोलॉजी हैं। सिंपल वॉशिंग मशीन चलाना इजी होता है लेकिन इसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि एकदम पानी फैल जाए तो उसके लिए मॉप या झाड़ू, एकदम हमें वहाँ शिफ्ट हुए बिना भी घर में रखनी पड़ेगी क्योंकि जो भी फिटिंग करने आए हैं अगर कहीं पानी लीक हो गया तो फिर वो मांगेंगे और हम शिफ्ट नहीं हुए हैं तो हम हो सकता है ये सामान अपने साथ ना रखें लेकिन
आप मेरी वीडियो में ये चीज़ें ही देखिए और जानिए कि अगर आपको ये सिचुएशंस हैंडल करनी हो तो आप उस घर में ये सब सामान पहले से रखिए, और इस तरीके का जो बचा कुचा कूड़ा है इसको डिवाइड करके पैक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में सारा का सारा कूड़ा डेली रूटीन के कूड़े में नहीं जाता है। इसके लिए अलग से पैकिंग करा के रखेंगे शुरू में तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में खुद करना पड़ेगा। ये है वो जगह, अभी आप देख सकते हैं यहाँ अभी कुछ नहीं है, यहीं पर वो छेद बनाया गया था इस मशीन के थ्रू, और यहाँ पर बाहर वॉशिंग मशीन रखी गई थी, उसके लिए ये सारी सेटिंग करवाई गई है। वॉशिंग मशीन वगैरह या कोई भी और चीज़ जब हम सेट करा देते हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियस है कि पूरी वॉल खाली होती है, तो एक कोई काउंटर टाइप उसके ऊपर ज़रूर लगवा लेना चाहिए, कि फिर हम चाहें तो उसके ऊपर कबर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आयरन करने के लिए स्पेस क्रिएट किया है। दुनिया की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इंटरनेट कनेक्शन। भैया लोग लगा रहे हैं, भैया आपका नाम क्या है? अच्छा, देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज लग रही है, ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर दिया और बेसिकली वेल्ड कर दिया एक तरीके से। अच्छा, दोनों जोड़ दिए। वो देखो एक हो गई, फिर अब उसको पिरो दिया इन्होंने। ओ अच्छा, अरे वाह। और इतनी पतली होती है, इतनी पतली से इतनी सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। इसमें ग्लास रहेगा मैडम? इसमें ग्लास होता है। ओ अच्छा, डेटा ट्रांसफर के लिए काफी सही रहता है। उसका ऊपर अभी इसको निकाला है तो इसका व्हाइट कलर ग्लास रहेगा अंदर, वो बराबर नहीं दिखता है, अभी दिखेगा, देख लीजिए दिख रहा है, दिख रहा है व्हाइट कलर का ग्लास। इसमें अभी इंटरनेट आ जाएगा, कमाल है। भैया आप भी अपना नाम बताओ। अभिषेक। वाह, बहुत अच्छे नाम है आप लोगों के। चलो एक काम, अब वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा सबसे बड़ी बात। यहाँ फैन लगेगा एक, यहाँ स्विच बोर्ड आएंगे फ्रिज के, और कोई और चीज इलेक्ट्रॉनिक अगर चलाना है यहाँ फ्रिज आएगा, और ये इधर आएगा नीचे अंडर सिंक फिल्टर। यहाँ पर जाली नहीं थी वो लग गई, ये बोर्ड भी बड़ा हो गया, यहाँ बल्ब आ गया, ये देखो सारे में फैला हुआ था, मैंने सारा सामान अपने हाथों से उठाया। ये देखो ये वॉशिंग मशीन के लिए पाइप लग गया, अभी इसमें टैप फिट होगा, और गीजर लग गया, गर्म पानी आ गया बहुत, कितना तेज पानी है। ये लाइट यहाँ लग गई, यहाँ से एक रॉड लगेगी, कर्टन रॉड इस लाइट के इधर इधर, ये यहाँ बनेगी भैरवी की अलमारी यहाँ पर, यहाँ ठीक है, और ये लाइट आ गई यहाँ पर,
और फैन भी आ गया। ठीक है जी, जब भी नए घर के लिए कोई भी काम करवाया जा रहा हो तो एक वर्कर आता है, दूसरा जाता है, तो ये तो चलता रहेगा। अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और क्या जानना चाहते हैं आप नए घरों के बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।